भारत और अमेरिका ने प्रौद्योगिकी और रक्षा औद्योगिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक नए द्विपक्षीय रक्षा औद्योगिक सहयोग रोड मैप पर सहमति व्यक्त की है। इससे संयुक्त विकास और उत्पादन के लिए रक्षा तकनीकी सहयोग में तेजी लाई जा सकती है। यह जानकारी अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने दी है। विवादों में घिरे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप है, जिस पर उन्होंने कहा कि वो कोई चमत्कारी आदमी नहीं है, वो केवल सनातन परंपरा का पालन करते हैं और भगवान बालाजी के भक्त हैं। इस पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि देश में सनातन धर्म के खिलाफ साजिश चल रही है और इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। बेंगलुरु में 3 साल की बच्ची से रेप के आरोप में 26 साल के युवक को गिरफ्तार किया गया है। पीएस कामाशिपालिया में आईपीसी की धारा 376 और 302 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। पूर्व सांसद सीएम उमा भारती ने लोकतंत्र में अगर बुरे और बहुत बुरे के बीच चुनाव होता है तो लोग बुरे को चुनते हैं, यह बुरे लोग सरकार बनाते हैं। चुनाव जीतना और सत्ता में बने रहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य समाज बनाना, महिलाओं को सुरक्षा देना, बच्चों के उज्जवल भविष्य के सुनिश्चित करना, ये असल बात है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला आज खेला जाएगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे इन दोनों टीमों की भिड़ंत होगी।